मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में ग्रहण लगा रहा है ये घोटालेबाज अफसर। लंपी वायरस की वैक्सीन तक चट कर गया अफसर। गौशालाओं में दम तोड़ रहे गौवंश। के पहले 14 तारीख को एक गाय मरी थी, आज 17 तारीख को फिर एक गाय मर गई। रात के अंधेरे में गौशालाओं से मृत गौवंशों की लाशें गायब करने के पीछे क्या है मकसद? सूबे में जहां लंपी वायरस गौवंशों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन सीएम योगी ने उन्नाव में गौवंशों की सुरक्षा का जिम्मा जिसके हाथों में सौंपा है, असल में वो रक्षक नहीं भक्षक है। पहचान लीजिए इसे। ये योगी सरकार की साख पर बट्टा लगाने वाला उन्नाव मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर कलंक बनकर विराजमान वही निकम्मा अफसर अनिल पांडे है जिसने गौशालाओं में बंद 18,000 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा किया था। और पिछले एपिसोड में हमने आपको गौवंशों के लिए यमराज बनकर बैठे इस निकम्मे अफसर की कलंक कथा पार्ट 1 दिखाया था, जिसमें हमने इसके दावों की पोल खोल दी थी। लेकिन कलंक कथा पार्ट 1 में आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे देखने के बाद ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि आपके सब्र का बांध टूट जाएगा। 270 गौशालाओं में बंद 18,441 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने के दावे की पोल खोलने के बाद जब हमने गौशालाओं की पड़ताल की तो इस निकम्मे अफसर के गुनाहों की परतें खुलनी शुरू हो गईं। जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा ये गौवंश मियांगंज ब्लॉक की गौशाला में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, इलाज के अभाव में तड़प रहा है। ये गौवंश इंतजार में है कि शायद कोई डॉक्टर आकर उसकी जिंदगी बचा ले। लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर यमराज के रूप में बनकर बैठे इस निकम्मे अफसर को इन बेजुबानों पर भी तरस कहां आने वाला। इंसानियत पर कलंक बन चुके इस अफसर की भूख इतनी ज्यादा हो गई है कि लंपी वायरस से बचाने के लिए लगने वाली वैक्सीन तक ये चट कर गया। गौशालाओं में गौवंशों को वैक्सीन लगाने के इसके दावे में कितना दम है, मियांगंज की गौशाला में गौवंशों की सेवा में लगा सुखवीर खुद बता रहा है, सुनिए जरा। यहाँ जानवरों के टीके लगे हैं? 20 तारीख है साहब, अभी इनके बच्चन की नहीं लगे। क्या क्या साल के हैं ये? डेढ़ डेढ़ साल, कोनो साल भरे। अच्छा, दो दो, दो, दो साल के भी हैं आप कह रहे थे? डेढ़ साल, दो साल, एक साल। अच्छा, इनके कुछ लक्षण दिखे? हाँ साहब, फुरिया इसी निकल रहे हैं। अच्छा, कितने जानवर होंगे इसे जिनके निकल रहे हैं? अरे करीब हैं 1500 बच्चा। अच्छा, उनके निकल रहे हैं। अब लागे लपेटम थोड़े हैं। सुना आपने, गौशालाओं में अभी भी वैक्सीन नहीं लगी और गौशाला में बंद गौवंश लंपी वायरस की चपेट में आकर तड़पने को मजबूर है, जबकि ये निकम्मा अफसर गौशालाओं में बंद 18,000 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा कर रहा है। और ये हाल सिर्फ इसी गौशाला का नहीं है, सूत्रों का दावा है कि सभी गौशालाओं में गौवंशों की ऐसी ही दुर्दशा है। चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्नाव में गौवंशों की दुर्दशा का ऐसा सच जिसे सुनने के बाद शायद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़ जाएंगे। बीमारी और भूखमरी से गौवंशों की हो रही मौत के सच को दबाने के लिए किस तरह अफसर खेल खेल रहे हैं, राष्ट्रीय गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष पवन पांडे ने इसकी पोल खोल दी, चलिए सुनिए। जी ये सबसे बड़ी तो डॉक्टर की लापरवाही है, दूसरे ये समस्या आ रही है, चारे की भी समस्या आती है। यहाँ कई बार ये जानवर मृत हो चुके हैं, चुपचाप से निकाले जा चुके हैं, चुपचाप ये लोग निकाल लेते हैं। अभी 14 तारीख को एक गौवंश की मृत्यु हुई थी, उसमें हम लोगों ने धरना दिया, सूचना दी हर जगह, तो आश्वासन मिला कि सुबह जो है इसका वो होगा, फिर भी सुबह निकाल दिए चुपचाप। चुपचाप निकालने के बाद में रास्ते में चौराहा पड़ता है, वहाँ हम लोगों ने उसको पकड़ा, फिर उसके बाद पंचनामा हुआ, तब जाके उसका जो है हम लोग दाह संस्कार करा पाए सही से।
डॉक्टर की लापरवाही से और कुछ चारे की कमी से जो है मामूली समझ में जो है रखते होती है क्योंकि दुबली गाय है तो। योगी जी कान खोलकर सुन लीजिए कि उन्नाव की गौशालाओं में किस तरह गौवंश इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और इन गौवंशों को इलाज मुहैया कराने की बजाय आपका अफसर मृत गौवंशों की लाशें गायब करवा कर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है। फतेहपुर 84 ब्लॉक की गौशाला में रात के अंधेरे में मृत गौवंश को जब गुपचुप तरह से निकालने की सूचना गौ रक्षा दल को हुई तो मौके पर पहुंचकर बवाल करना शुरू कर दिया और गौशालाओं में गौवंशों की दुर्दशा और यमराज के भेष में बैठे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल पांडे की पोल खोल दी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे इन गौवंशों की हत्याओं का जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर कलंक बनकर बैठा अनिल पांडे अभी और कितने गौवंशों के प्राण लेगा और इन मृत गौवंशों की लाशों को गुपचुप तरह से गायब करने के पीछे आखिर मकसद क्या है? कहीं पर्दे के पीछे इन गौवंशों की लाशों के सौदे का कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट यूपी न्यूज़।